बंबई विच दो सिंधी बीबियां भाई साहब होरां दे कोल आईयां। एक ने कहा वह कई सालों तो श्री कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा कर रही है पर दर्शन नहीं हुए। दूजी ने आख्या वह कई सालों तो श्री राम की मूर्ति की पूजा कर रही है पर उन्होंने भी दर्शन नहीं हुए। सुनया जदों तुसी कृपा कर दे तां दर्शन हो जाते हैं। बीबी सीता भी उस वेले उत्थे बैठी हुई सी, ये सुन के वह थोड़ा जहा मुस्कुरा पई। भाई साहब ने उन्हां बच्चों नूं कहा कि भाई आपो अपना पहरा हुंदा, आपो अपना समा। जदों अंग्रेज सन फिर उन्हां दे नाम दा सिक्का चलदा सी पर हुण उन्हां दे सिक्के दी कोई कीमत नहीं। इसे तरह हुण गुरु नानक दा पहरा है, राम जां कृष्ण दा पहरा नहीं। जदों उन्हां दा सी ना उदों सब कुछ ही सन। जे तुसीं गुरु नानक नूं हिरदे विच वसाओ, वाहिगुरु दा जाप करो तां तुहानूं दर्शन हो जाणगे। बीबी सीता वाला इशारा करके भाई साहब आखण लगे इस बीबी तो पुछो ये क्यों असी है। उन्हां बीबियां ने बीबी सीता नूं पुछया तो वह आखण लगे वह भी उन्हां दी तरह श्री कृष्ण जी महाराज की पुजारी सी। जदों भाई साहब के सत्संग के राही उन्होंने गुरु नानक नूं अंदर वसाया तो हुण वह यह महसूस करती है कि कृष्ण जी महाराज तो मेरे पिछे पिछे आ रहे हैं। यह सुन के वह बीबियां हैरान हो गई तो गुरु नानक के चरणों नाल जुड़ गई। भाई साहब बंबई विच अपने कमरे विच बैठे हुए सन। वह बाहर आए आखण लगे छाती विच बड़ा सख्त दर्द हो रहा है, छाती उत्ते हाथ रख्या होया सी। की वेखदे ने कि बाहरले कमरे विच गुरबाणी दी सेंची उत्ते किसी ने कोई होर किताब रख छड़ी है। पुछया ये बेअदबी किसने की थी है। सत्कार नाल वह गुरबाणी की सेंची उठाई, नमस्कार की थी अते अंदर लै गए। भाई साहब का छाती का दर्द हट गया। एक दिन सरदार राम सिंह अमृतसर विच भाई साहब होरां दे कोल बैठे सन ते उन्होंने फिलासफी दे बारे च कोई सवाल किया। भाई साहब जी ने फरमाया राम सिंह जी तुसी इन्हां गल्लां चों की लैणा है, ये गुंझलदार गल्लां ने, भावें गुरु के हुक्मां दे मुताबक ने पर तुसी गृहस्थी हो, टब्बरदार हो, तुसी सारा दिन दुकानदारी करनी है, बच्चे पालने ने, पढ़ाने ने, होर सौ तरह दियां जिम्मेवारियां तुहाडे सिर ते ने, तुसी इस तरह दियां उलझणां विच ना फसिया करो। तुहाडा ते काम सिर्फ ये आ कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम तां लेगा राख। कीड़ी दे अंदर सुंघन शक्ति बड़ी प्रबल हुंदी है, उसनू खुशबू आ जाती है ते ओ उस खुशबू दे मगर तुर पैंदी है। अखीर ओ खंड दे कोल पहुंच जाती है, उत्थों खंड दा एक किनका मूंह विच लैके मुड़ पैंदी है, टिकाणे ते आके उस खंड दे स्वाद नू माणदी है। दूजी कीड़ी खंड दे ढेर कोल पहुंच के सोची पै जाती है की करा हुण घर मुड़ जावां, इस खंड दे ढेर नू किवें छड़ जां, सोचती रहिंदी है जिहड़ी शै प्राप्त होई है उसका सुख नहीं माणदी। हलवाई आउंदा खंड चुक के कड़ाहे विच पा देंदा है, वह सोचा सोचती उत्थे ही खत्म हो जाती है। भाई साहब जी गल सुना के आखण लगे राम सिंह जी तुसी नाम की खुशबू पिछे तुर पवो, जदों तुरोगे ना घालना घालोगे, तलाश करोगे, सतसंग विचों महान पुरशां की संगत विचों नाम का किणका मिलेगा। नाम के किणके नूं अंदर वसाओ तुहाडे अंदर खुशबू पैदा हो जाएगी ते सौख्या ही गुरु नानक दे चरणा नाल लिब लग जाएगी।
भाई टेढ़ा राम जी बंबई तो भाई साहब उन्होंने कोल आए हुए सन। उन्होंने वापस बंबई जाना सी। तुरन लई तैयार बैठे सन जदों भाई साहब जी ने आख्या, टेढ़ा राम जी अज ना जाओ, साडा जी नहीं करदा कि तुसी अज जाओ, वह रुक गए। वाहिगुरु दे रंग उस गड्डी दा अगे जाके एक्सीडेंट हो गया। एक दिन बीबी संत बहुत सोचां विच सी ते उसका मन मुरझाया होया सी। ओ बाहरों डाक लैके भाई साहब उन्हां दे कोल आए। भाई साहब जी ने उन्हूं मूड़े ते बैठण दा इशारा किया। मूड़े ते कुछ किताबां ते होर चीज़ां पईआं सन। बीबी ने वह चीज़ां मूड़े तो चुकियां ते दूजी थां ते रख दित्तियां ते आप मूड़े ते बह गई। भाई साहब जी ने उसनूं समझाया कि जिस तरह मूड़े ते पईआं चीज़ां दूजी थां ते टिका के तुसीं अपने बहण दी थां बना लई है ना, इसे तरह मन विच्चों सोचां जां होर फिकरां नूं दूजी थां ते टिका के खाली कर लिया करो ते उत्थे नाम वसा लो। भाई सुध सिंह जी अपने साथियों समेत भाई साहब दे घर दियां पौड़ियां चढ़ रहे सन। अगों दरवाजा बंद सी, पिछों भाई साहब जी आ गए। भाई साहब जी ने भाई सुध सिंह दे साथियों नूं इशारा कर दिता कि बोलण ना, ते आप अगे जाके भाई सुध सिंह दियां अखां उत्ते हथ रख दित्तो ने। भाई प्रधान सिंह ने भाई सुध सिंह नूं कहा, भला बुझो हां कौन है? उन्होंने आख्या, मैं बुझ ते लिया है, पर जे जफ्फी विचों छड़न तां ही चरणा ते सीस रखना। भाई सुध सिंह दा शरीर शुकर विच कंब रहा सी ते उस दिन उन्होंने शुकराने विच ए रुबाई लिखी, खुली जफ्फी ते नाल ही नैण खुले, पिछे परतिया तकिया नाल नैणा, सदके जावां दाता तेरियां रहमतां दे, नीवे मैलियां नूं गल नाल ला लैणा, तेरा बिरद आश्चर्य है दया सागर, लिया दर तेरे पर मंग रहना, चरण धूड़ होवां तेरे सेवकां दी, ना विछोड़ सानू अंग संग रहना। एक बारी सरदार करतार सिंह उपदेशक चीफ खालसा दीवान भाई साहब होरां दी कोठी आए। उन्हां दा कोट पुराना सी ते बांह तो फटिया होया सी। भाई साहब जी ने नवा कोट पाया होया सी। भाई साहब ने अपना कोट उतार के करतार सिंह नूं आख्या, जरा ये पा के विखाओ। हां उन्होंने हुक्म मन के कोट पा लिया ते भाई साहब कहन लगे, वेखो किन्ना सोहना फिट आ गया। भाई करतार सिंह कोट उतारन लगे तो भाई साहब जी ने आख्या, हुण उतारना नहीं, ये मैं तुहाडी भेटा कर दिता है। सरदार करतार सिंह शुकर शुकर करदिआं नवा कोट पा के अपने घर चले गए। भाई साहब जी जदों हाल बाजार रेंदे सन तां उन्हां दे मकान दे सामने एक दिन एक्सीडेंट हो गया। सवारियां डिग पईआं, उन्हां विच एक बुढ़ी माई सी, वह बेहोश हो गई। रौला पै गया, लोग इकट्ठे हो गए। सारयां दा ख्याल सी कि बुढ़ी मर गई होवेगी। भाई साहब जी ने उत्तों देखिया तां दौड़दे हुए हेठां आ गए। भीड़ तां तमाशा वेख रही सी पर आप सड़क ते बह गए ते माई दा सिर अपने पट्टां उत्ते रख लिया। उन्होंने माई दे हथ पैर कुटे, एक होर सज्जन नाल लग गया, मूँह विच पानी पाया, माई ने अखां खोलियां। भाई साहब जी ने पुछया, मां हुण ठीक है? जवाब मिलिया, हां पुत्तर हुण कुछ ठीक आ।
भाई साहब ने घरों दुध का गिलास मंगवाया ते माई नूं आखण लगे, माता जी दुध पी लो। माई अगो ना ना करे। उसने दसिया कि जदों दा उसका पति गुजरिया 15 साल हो गया ना, उसने दुध नहीं पीता। भाई साहब ने आख्या, माई मैं भी ते तेरा पुत्र हाँ, मेरा भी ते आक है ना, तुसी डिग पाए हो, बेहोश हो गए हो, शरीर कमजोर सी, जे दुध पियोगे ना ताकत आ जाएगी, अपने बच्चे दे आखे लग के ना दुध पी लो। माई नूं दुध पियाया, माई जरा सावधान हो गई। माई दे साथी खड़े सन। भाई साहब जी ने दूसरी गड्डी मंगवा के उन्हां नाल माई नूं तोर दिता। सन 1953 की गल है, उदों सरदार संत सिंह चीफ खालसा दीवान दे यतीम खाने दे इंचार्ज सन। उन्होंने किसी गलों अस्तीफा दे दिता। जदों भाई साहब नूं पता लगा तां सरदार संत सिंह नूं उन्होंने अपनी कोठी बुलाया। भाई साहब ने सरदार संत सिंह नूं प्यार कीता ते समझाया, आखण लगे, देखो तुहाडे ते गुरु दी रहमत है, गुरु ने चंगी रोटी खाण नूं दित्ती होई है ते नाल ही सेवा बख्शी है, की पता इस सेवा दे सदके ही तुहानूं ये सारियां बख्शिशां मिलियां होण। वेखो देवते भी सेवा लई लभदे ने, पर उन्हां नूं सेवा करन दा मौका नहीं मिलदा। तुसी दुनिया दे करके सेवा नूं लत मार दिओ, गुरु दे भाव विच आओ ते सेवा तो मूंह ना मोड़ो। सरदार संत सिंह अगों बोल ना सके ते अपना अस्तीफा वापस लै लिया उन्हें। बीबी प्रेम बंबई रहिंदी सी, उसदे घरवाले दा नां तरलोचन सी, बड़े अमीर सन। तरलोचन दी मां सिखी दे प्यार वाली सी, घर विच बाबा जी दा प्रकाश करदी। पुत्तर दा व्याह कीता, जदों डोली घर आई ना तां बीबी प्रेम चाई चाई अपने पुत्तर ते नूं नूं बाबा जी दे कमरे विच लै गई। कड़ा प्रसाद तैयार सी, तरलोचन दी मां ने बड़े प्यार नाल अरदास कीती, पर नूह ने भावे बीबी प्रेम ने प्रसाद लैण तो इनकार कर दिता। सस ने प्यार नाल आख्या, बेटा प्रसाद लैण तो ना नहीं करी दी। उसने प्रसाद ते लै लिया, पर अख बचा के दरवाजे तो पिछे सुट दिता। जदों सस नूं यह पता लगा तो विचारी बेहोश हो गई। प्रेम ते त्रिलोचन का जीवन बड़ा मॉडर्न सी, क्लबां विच जाना, डांस करने, दिन विच कई कई वार साड़ियां बदलनियां। इस तरह इन्हां दोवां दा जीवन दुनियावी ऐश विच गुजरदा रहा। ऐश तो इलावा होर पता ही नहीं सी कि दुनिया विच कुछ होर भी हुंदा है। बीबी प्रेम दी सस इसे दुख विच अकाल चलाना कर गई। प्रेम आखे, हुण बाबा जी दी सेवा कौन करेगा। घर वाले दी सलाह नाल उन्होंने बाबा जी दी बीड़ ननाण दे घर भेज दिती। समा गुजरिया, एक बार भाई साहब जी बंबई आए हुए सन। प्रेम दी कोई सहेली उसनू ऊषा किरण भाव भाई टेढ़ा राम दे घर लै गई, जिथे भाई साहब जी ठहरे हुए सन। शाम नूं जदों सारी संगत चली जांदी सी ना, उथे कीर्तन हुंदा सी। बीबी प्रेम उत्ते भाई साहब दे दर्शनां दा बड़ा प्रभाव पिया ते उसदे अंदर खिच पैदा हो गई। 2-3 दिन अपने आप भाई साहब दी संगत विच जांदी रही। जदों समाप्ति हुंदी सी ना, भाई साहब अपने कमरे विच चले जांदे सन ते उन्हां दे हुक्म दे बिना कोई अंदर नहीं सी जा सकदा। पर पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, भेटियो पुरख रसक बैरागी।
एक दिन जदों भाई साहब जी कीर्तन तो मगरों अपने कमरे विच गए तो बीबी प्रेम भी बिना पुछिया ही अंदर चली गई। भाई साहब जी ने पूछा, बीबी तुसीं किस तरह आए हो, कुछ आखना? बीबी प्रेम कहन लगी, जी मैं अपनी पछाण कराउण लई आए हां। भाई साहब आखन लगे, तुसीं जाण पछाण की कराउणी है, आपां ते पिछले जन्म दे वाकफ हां, पिछला जन्म तुहाडा फलानी थां ते फलाने घर सी, हुण तुसीं छेती जन्म लै लिया ते हुण तुसीं अमृतसर दी लूण मंडी विच फलानी गली ते फलाने सज्जण दे घर जन्म लिया। ये सुन के बीबी प्रेम हैरान हो गई, घबरा गई ते भाई साहब दे चरणां ते डिग पई। भाई साहब जी ने प्यार किया, थापड़ा दिता, उसनू किसी फकीर की छो मिली, जीवन बदल गया, नाम की दात प्राप्त हो गई। बाद विच उसका पति भी भाई साहब होरां दे कोल आया, दोवें सतसंगी हो गए ते गुरु गुरु जपन लगे। पत्नी पति नूं आखे भाई साहब नूं घर सदना, वो सोचन के जदों तक बाबा जी का प्रकाश घरे ना होवे किवें बुलावां। कमरा तैयार किया, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश किया, बेनती करके भाई साहब नूं चाहते सद्या। भाई साहब जी आए ते सब तो पहला उन्होंने पूछा, बाबा जी का कमरा केड़ा है? भाई साहब ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के दर्शन किए, कुछ छकिया अते दोवां नूं असीसां दित्तियां, बड़ी बख्शिश हुई। भाई साहब भाई सुध सिंह जी दूजी वार भाई साहब होरां नूं उचेचे मिलन लई आए, वह अपने नाल एक शहद की बोतल भी लैके आए। भाई साहब ने पूछा, यह की है? जवाब मिलिया, जी ये साडे इलाके की सुगात है। भाई साहब चुप हो गए, वो खुश नहीं हुए। भाई साहब जी ने आख्या, इस शहद की बोतल नूं यतीमखाने भेज दईए, असीं पसंद नहीं करते, इस तरह लैण देण नाल ना भाईचारा बन जांदा। भाईचारा ना बनाओ, निरोल सतसंग दा प्यार रखो, दिल धो के लियाओ, दिल सच्चा सुच्चा नाम नाल भर के लियाओ, तो मैनूं बहुत खुशी होवेगी। ये सुन के भाई सुध सिंह जी उदास हो गए ते उहनां नूं उदास वेख के भाई साहब जी ने आख्या, उदास ना होवो, असीं इस वार रख लैंदे हां पर अगों खेचल ना करियो। महंत तखत सिंह किसे पिंड कीर्तन करन गए, गड्डी तो उतर के अगे टांगे ते जाना पैंदा सी। वापसी ते टांगे ते आए ते टांगे वाले ने रस्ते विच कहा, सरदार जी मैं रोटी खा लवां। एक खूह ते रोटी खाण लई बह गया, उसने रोटी कढ़ी, रोटी मिस्सी सी ते बड़ी सोहनी पक्की होई सी। रोटी नूं वेख के महंत दा वी जी करे, बई ये रोटी खावां। उसने अगे कदे इहो जिही रोटी वेखी नहीं सी, पर टांगे वाला मुसलमान सी, जे कोई होर हुंदा तां जरूर उहदे कोलों रोटी लैके खा लैंदे। महंत भाई साहब होरां दे कोल आया ते मिस्सी रोटी की सारी गल दसी। भाई साहब ने कहा, बई तुसी चिंता ना करो, असी तुहानू मिस्सी रोटी खवाउणे आ, तुहानू रोटी भुल जाएगी। शाम के 3 बजे का वेला सी, भाई साहब उत्ते चौंके विच आ गए, प्याज वगैरह कटिया, बेसन लिया, आटा तैयार किया ते तंदूर तपा दिता। भावें कई बीबियां उत्थे खड़ियां सन पर किसी नूं हाथ ना लाउण दिता। भाई साहब ने आप रोटी तंदूर नाल लाई ते चोपड़ के सब तो पहला महंत जी नूं दित्ती ते हस के कहण लगे, महंत जी वेखो ओहो जी है ना। महंत हैरान होवे ते हसे, उन्हें कहा, शकल तो उन्हें नालों ही सोहनी, स्वाद भी कमाल दा।
ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਸਾਧੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੈਕਟ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਅਤ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਧੂ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਸੰਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਸਾਧੂ ਇਸ ਟ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਟ੍ਰੈਕਟ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ 8-10 ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੈਕਟ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਆਖਿਆ, ਕੌਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਮਸਾਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਖੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਮਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਮਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਬੇਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰੀ। ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਨੂੰ 1 ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਗਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਹੇ ਸੰਤੋ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਸ਼ਕਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਣਨ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਯਾਦ ਮੰਗਦਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ?
ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੰਦਗੀ ਜਾਂ ਬਦਬੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਖੂਹ ਗਿੜਦਾ, ਟਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਅੱਗੋਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲੇਰੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭੂਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਹਰਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਝਾਂਗੀ ਰਾਮ PCS ਨਾਲ ਹੋਈ। 1910-11 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਝਾਂਗੀ ਰਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵ ਸਮਾਜੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਵ ਸਮਾਜੀ ਨਾਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜਨਾਂ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਦੇਵ ਸਮਾਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਝਾਂਗੀ ਰਾਮ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਬੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਝਾਂਗੀ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘਰ ਬਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਹਰਦਿੱਤੀ ਜੀ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਝਾਂਗੀ ਰਾਮ PCS ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਵੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਗੁਰੂ ਚਮਤਕਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਹੈ, ਕਿਆ ਵੀ ਜੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਝ ਕੋ ਇਸਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਦਿੱਤੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੀਬੀ ਹਰਦਿੱਤੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਬਈ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਰ ਰੁਕੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਰੋਏ।
वैराग विच आखन लगे, मुझको मालूम नहीं था, नहीं तो पहले भाई साहब के चरणों पे अपना माथा रखती। बड़े रोए। भाई साहब जी ने दूजे दिन चले जाना सी। बीबी हरदिती दा जीवन बदलदा गया। अमृतसर विखे भाई साहब जी होरां नाल जिक्र किया गया। भाई बीबी हरदिती हुण पाठ करन लग पई। भाई साहब होरां दे नेत्रां विच्चों छमा छम अथरू गिरन लग पए। किसे शुकर दी अवस्था विच चले गए ते बचन कीता ने कि दुश्मन दे कैंप दी एक बाही गुरु दी मेहर सदका डिग पई है। वह इन्ने प्रसन्न होए कि मैं हैरान हो गया। कुछ समा बाद भाई साहब जी होरां दे दर्शन करन लई बीबी हरदिती जी होरीं आए, जान पछाण करवाई। बिरध माता भाई साहब होरां दे चरणां उत्ते डिग पई, बड़ी रोई। आखन लगी, ये आप कैसे लिखते हो, कौन लिखाता है? भाई साहब जी ने बड़ा प्यार कीता, आसीस दिती, सिर उत्ते हथ रखिया, कुछ बचन कीते। बीबी हरदिती ने भी नाम वाली होके अपना जीवन सवार लिया। एक बारी बीबी संत ने भाई साहब होरां दे कोल बेनती की, जदों तुहाडे दर्शन करके वापस जाईदा ना, दिल बड़ा दुखी हुंदा है, बड़ी खिच पैंदी। भाई साहब आखन लगे, कदे रेल गड्डी वेखी जे, एक डब्बा दूजे नाल जुड़िया नहीं हुंदा, थोड़ा जा फासला हुंदा, विचकार चेन भी हुंदी है, जे दोवें डब्बे जुड़े होए होण ता गड्डी चल भी ना सके, इसलिए थोड़ा जिहा विथ ते रहना ही सुखदाई हुंदा। भाई साहब दी लाइब्रेरी नूं एक बार अग लग गई, काफी किताबां सड़ के सुआह हो गईयां। उस विच किन्नियां हथ लिखतां ते कई दुर्लभ पुस्तकां सन। भाई साहब जी उस समय कसौली विच सन। भाई महा सिंह ने उदासी भरी चिट्ठी भाई साहब जी नूं लिखी। भाई साहब जी ने यह चिट्ठी पढ़ी ते किसे नाल उसका जिक्र तक भी ना किया, ना ही भाई साहब जी नूं किसे ने उदास वेख्या। भाई साहब ने भाई महा सिंह की चिट्ठी का उत्तर दिता, जिस विच सिर्फ गुरबाणी की यह तुक ही सी, मीत करै सोई हम मन्ना, मीत के करतब कुशल समाना। बीबी बीना जी उस समय उथे सन। भाई साहब ने वह चिट्ठी बीबी नूं डाक विच पाउण लई दित्ती। जदों बीबी ने चिट्ठी पढ़ी तां हैरान हो गया, बई इस किस गल दा उत्तर है। भाई साहब जी नूं पुछण दी हिम्मत नहीं सी पैंदी। जदों भाई साहब आराम करन लई गए तां बीबी ने भाई महा सिंह दी चिट्ठी मेज उत्ते पई होई वेखी ते उसनूं पढ़िया। बीबी बिना चिट्ठी पढ़ के उदास हो गई ते रोंदी रही। जदों भाई साहब जी आराम करके उठे तां बीबी दी उदासी दा कारण पुछया। बीबी दे दसन उत्ते भाई साहब ने कहा कि मेरा उत्तर पढ़ के भी उदासी दी कोई गुंजाइश है। यह सुन के सारे जने हैरान रह गए। एक बार भाई साहब जी ने यह वार्ता बीबी बीना नूं सुनाई। आखन लगे, एक संत जी सन जेड़े हरिद्वार रहिंदे सन। जदों गंगा दा इशनान करके आउंदे ते बाजार विचों लंघदे तां एक दर्जी अपनी दुकान तों निकल के उन्हां उत्ते थुक देंदा। संत जी चुप करके फिर इशनान करन चले जांदे ते इशनान करके घर वापस चले जांदे। दो दिन उस दर्जी ने इसे तरह कीता। उस तो अगले दिन संत जी इशनान करके आए, दर्जी ने उन्हां उत्ते थुक सुट दिती। वह फिर बिना बोलन तो इशनान करन चले गए। इस तरह दो बार होया, पर संत जी ने दर्जी नूं कुछ भी नहीं आख्या। दर्जी भी हैरान सी, आखन लगा, यह भी अजीब बंदा है। उस मूर्ख दर्जी ने मन में सोचा, बई अज इस नूं खूब तंग करना है।
संत जी जिनी बार इशनान करके आते उन्हें उत्ते थुक सुट देता, पर संत जी रब दे रंग विच रंगे हुए रब नूं याद करदियां चुप करके कई बार इशनान करन गए। वाहिगुरु का रंग कि दर्जी का मूँह सुक गया, कोशिश करन ते भी मूँह विचों थुक ना निकले, जीभ लकड़ वांग आकड़ गई। वह संतां दे चरणा उत्ते डिग पिया ते बेनती करन लगा, वेखो मैं तुहानूं बिना किसे कारण दे बड़ा तंग कीता है, पर तुसी ते मूँह तों कुछ भी नहीं बोले, ना तुसी मैनूं बुरा किया ना मैनूं मना कीता, पर रब दा रंग अज मेरा मूँह बिल्कुल सुक गया है। कोशिश करन ते भी मेरे मूँह विचों थुक नहीं निकलदी। संत जी हसक पै ते उत्तर दिता ने, सानू भरोसा सी सदा ही बुराई का अंत हैगा है, हां चंग्याई का कोई अंत नहीं हुंदा। तू आप वेख साडे सबर नू फल लग गया ते बदी का अंत हो गया। वो दर्जी बड़ा रोया ते संत जी दे चरणा ते डिग पिया। उसने कहा बख्श लवो अते अपने चरणा नाल ला लवो। भाई साहब आखन लगे, भाई मेरे जीवन का तजर्बा है, नेकी का अंत नहीं हुंदा पर बुराई दा ते है। हां बर्दाश्त करना जिगरा रखना बड़ा औखा है, ते जिहदे उत्ते रब दी बहुत वड्डी मेहर होवे ना ओही बर्दाश्त करन दा मादा रखदा है। बहुत देर दी गल है, मॉडर्न रिव्यू कलकत्ते विच एक चिट्ठी छपी कि प्रोफेसर पूरन सिंह जी होरां कोलों भाई साहब भाई वीर सिंह होरां नूं इंस्पीरेशन मिलदा है तां भाई वीर सिंह जी कविता लिखदे ने। प्रोफेसर साहब तां गुजर चुके सन, पर भाई साहब होरां दा शरीर हालां इस जगत विच सी। इह उहनां दिनां दी गल है जिन्हां दिनां विच अभिनंदन ग्रंथ लिखिया जा रहा सी। जो कमेटी इस ग्रंथ लई बनी हुई सी उसने इस मॉडर्न रिव्यू दे लेख दे बारे विच विचार कीती ते फैसला कीता गया कि प्रोफेसर साहब दी सुपत्नी बीबी माया ते उहनां दे लड़के मदन मोहन सिंह नूं चिट्ठियां लिखियां जाण तां जो ओ मॉडर्न रिव्यू दे लेख दी तरदीद करन, पर उहनां वल्लों कोई उत्तर ना आया। हां उस तो बहुत पहला एक वार की गल है कि भाई साहब जी अपने कमरे में बैठे हुए सन, प्रोफेसर पूरन सिंह जी भी उरां दे कोल सन। भाई साहब ने प्रोफेसर साहब नूं कहा, पूरन सिंह जी लोकी कहिंदे ने कि जदों पूरन सिंह भाई साहब उरां दे कोल आउंदा है ना तां भाई वीर सिंह नूं पूरन सिंह दे कोलों इंस्पीरेशन मिलदा है, उत्साह मिलदा है, तां कविता लिखदे ने। यह सुन के प्रोफेसर साहब रोण लग पए, उठ के आप दे दरवाजे अगे जेड़ा पाएदान पिया सी उथों चुक के मिट्टी दी मुठ भर के लै आए ते अपनी तली उत्ते मिट्टी रख के रोंदिया होया बेनती कीती, मैं तां इस दर दी मिट्टी दे योग भी नहीं गा। लोग विचारे की जानन। एक बार दी गल है, करनल जगजीत सिंह गुलेरिया भाई साहब दे दर्शन करन लई गए। सर्दी दा मौसम सी, भाई साहब अपने गोल कमरे विच बैठे सन ते अंदर अंगीठी बल रही सी। भाई साहब ने अपने घर दे सेवक नूं आख्या बई ओह हारमोनीयम लै आवे। वाजा आ गया तां भाई साहब जी ने करनल जगजीत सिंह गुलेरिया नूं हुक्म कीता, कोई शब्द सुनाओ। करनल होरा ने केदारा राग विच माई मोहे प्रीतम देहो मिलाई वाला शब्द पढ़ना शुरू किया। भाई साहब ने बत्तियां बुझा दितियां। करनल जगजीत सिंह वाजा बड़ा धीमा रख के धीमी आवाज विच बड़े प्यार नाल 10-15 बार प्रीतम देहो मिलाई बार बार पढ़ दे रहे।
कदे भी पड़िया। सगल सहेली सुख पर सूती जिहें घर लाल बसाई। करनल होरां नूं भी बड़ा स्वाद आ रहा सी। भाई साहब जी शब्द विच जुड़ गए। हौली हौली कीर्तन की समाप्ति हो गई पर भाई साहब उरी 10 बजे तक समाधि की अवस्था विच जुड़े रहे। जदों अखां खोलियां बत्ती जगाई वेख्या इह ते 3-3.5 घंटे का समा लंघ चुका होया सी। भाई साहब उरी बड़े प्यार नाल आखन लगे, करनल साहब यह साधुआं वाली धुन कित्थों सिखी जे। करनल उरी हथ जोड़ के कहन लगे, आप दी पावन संगत विचों ही इस गल की मैनूं समझ आई। ਉੱਨੀ ਸੌ 1947 ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਘ ਫਰੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਤੇ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। भाई साहब ने उत्तर दिता, तुहानू पता नहीं कि शायद किते बैठियां लत उते कीड़ियां चढ़ गईयां होण। एक कीड़ी ने तुहानू चक वढ़िया ते तुसी सहज सुभा हथ नाल मलिया तां कई कीड़ियां मर गईयां। वढ़िया ते एक ने सी पर मर किन्नियां गईयां, क्यों मरियां? तुसी मैनू सवाल कीता है पर मेरा गुरु तो यह गल आखद, हर की गत नह को जन है, जोगी जति तपी पच हारे आर बहु लोग सियाने। जदों यह गुरु कहिंदा ना बई भाणा मनो तो भाई दिल ना हारो, हिम्मत करो। तुसी इस तरह करो, मेरा एक वाकफ है उन्दे कोल मेरी चिट्ठी लै जाओ, वो तुहाडी मदद करेगा। भाई प्रधान सिंह होरां दा लड़का हुक्म मन के भाई साहब उन्हां दे वाकफ जरनैल चिमनी दे कोल पहुंचिया। भाई साहब उन्हां वाली चिट ते अपना कार्ड उसने अंदर भेजिया। जरनैल चिमनी ने उसनों अंदर सद लिया। जरनैल चिमनी ने पुछया, दसो की चाहते हो? भाई साहब का लड़का कहन लगा, कोई टिकाणा मिल जाए तो बड़ा चंगा होवे। जनरल चिमनी आखन लगा, दिल्ली ना जायो, उत्थे बहुत लोग गए ने, टिकाणा मुश्किल मिलेगा। मेरा ख्याल है मेरठ चले जाओ, छोटी थां है, सस्ती भी है, प्रबंध भी जल्दी हो जाएगा। लड़का मन गया ते जनरल चिमनी ने उसनू चिट्ठी दिती, ओ मेरठ आ गए ते चंगे मकान दे मालक हो गए। ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਚੋਪੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਟੋਡਾ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਈ ਥਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਟੇਡਾ ਰਾਮ ਦਾ ਕਮਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਰੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬੀਬੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਬਈ ਉਸਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੇਨ ਸਮੋਕਰ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਲੈਟ ਵੀ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੀ।
पर भाई साहब जी का यह बचन भी तुसी प्रकाश करो असी आप तुहाडे घर आवांगे। मन विच बड़ा चाह आवे। उस बीबी ने घरवाले नाल सलाह की बई घर दे एक कमरे विच जे तुसी पार्टीशन पवा दिओ तां बाबा जी का प्रकाश कर लईए। सारा प्रबंध हो गया। अमृतसर तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बीड़ भी मंगवाई गई। कड़ा प्रसाद करके प्रकाश किया। वह बीबी बाबा जी के कमरे में सी। दूजे पासे घर वाला सिगटा पी रहा सी। सारा घर धुएं नाल भर गया। बाबा जी का कमरा भी धुएं नाल भर गया। बीबी प्रकाश करने की खुशी विच अरदास कर रही सी कि सिगटा का धुआं वेख के जार जार रोन लग पई। गुरु जी के चरणों में बेनती की महाराज बख्श लवो, वेखनी आं बई बेअदबी हो रही है, पर की करा, प्राय वस जू हुई, बख्श लवो। वह इस तरह बहुत देर अरदास करके रोंदी रही। रोंदी रोंदी जदों बाहर आई ना तो घरवाला आखन लगा, तुसी प्रकाश करके अरदास कर रहे सी ना, ते मैं सिगटा पी रहा सी। उसे वेले मेरे अंदर बड़ी जबरदस्त प्रेरणा आई बई इत्थे बहुत माड़ी गल है, इत्थे गुरु की बेअदबी हो रही है। गुरु जी मेरे घर आए ने, मैं सारिया सिगटा घर विचों बाहर सुट दित्तियां ते प्रण किया बई अग तो सिगटा नहीं पीवांगा। वह बीबी बड़ी रोई, बड़ी रोई। घरवाला चुप करावे पर बीबी का धीरज ना बजे। जिहड़ी गलबात भाई साहब जी नाल होई सी ना, उसने वो अपने घरवाले नूं दसी नहीं सी। उसने उस दिन अपने घरवाले नूं सारी गल दसी। हुण बीबी भाई साहब उहनां दे कोल आई ते आके बेनती करन लगी कि महाराज गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हो गया, हुण तुसीं कृपा करो आओ मेरे घर चरण पाओ। नियत समय अते नियत दिन उत्ते भाई साहब उसके घर गए। पत्नी ने पति दे सामने रो रो के सारी गल दसी कि वह प्रकाश लई क्यों नहीं सी हामी भरदी। उसके पति उत्ते इस गल का बड़ा प्रभाव पिया ते वह भी सत्संगी हो गया। ये दोवें गुरु की याद नाल भर गए। बीबी माया हुशियारपुर विखे टीचर ट्रेनिंग लै रही सी तां उह भाई साहब उहनां दे कोल आई। भाई साहब जी ने पुछया, बीबी नितनेम करदी है? उसने जवाब दिता, हाँ भाई साहब जी पढ़ाई करनी पैंदी है, इसलिए सुखमणी साहब का पाठ नहीं कर सकती। भाई साहब जी ने आख्या, जदों पास हो जाओगे ना तो फिर सुखमणी साहब का पाठ जरूर करन लग पैना। कुछ चिर पिछों भाई साहब उहनां दे कोल आई ते भाई साहब जी ने फिर उस तो पुछया, नितनेम करदे हो ना? उसने जवाब दिता, हाँ जी आपदी कृपा नाल कर लैनी आ। भाई साहब आखण लगे, बीबी बाणी पढ़द्या अंदर कुछ हुंदा? उसने आख्या, भाई साहब जी मूरख हाँ, अनपढ़ा, मैनू कुछ नहीं पता, पर एक गल का पता है बई स्वाद आउण लग पैंदा है। भाई साहब जी बड़े खुश होए, आखन लगे, राजे तां राज भाग हीरे मोती छड के इस स्वाद की खातर जंगलों में चले जाते हैं, फिर भी यह स्वाद ना किसी भागा वाले नूं मिलदा है। तुसी किन्ने भागा वाले हो? तुहानूं बाणी पढ़न विच स्वाद आउंदा है। सरदार हरबंस सिंह अटारी वाले भाई साहब भाई वीर सिंह जी होरां दे मित्र सन। वह भाई साहब जी नूं मिलन आए। बहुत खुले डुले सुभाव वाले सन। आउंदिया सार भाई साहब जी नूं प्यार नाल जफ्फी पा लई ते आखण लगे, भाई साहब जी तुसीं सेंट लाउंदे हो? भाई साहब जी ने जवाब दिता, नहीं असीं ते कदे भी सेंट नहीं लाया। उन्होंने आख्या, मैनू ते तुहाडे कोलों सेंट की खुशबू आ रही है। भाई साहब कहन लगे, मैनू ते नहीं आ रही। उन्होंने फिर कहा, नहीं बड़ी खुशबू आ रही है।
भाई साहब हस पै ते कहन लगे वेखो गुरबाणी विच लिखिआ है जन नानक मुश्क चकोलिया। सरदार साहब ने कहा बई की ये वाली अवस्था उन्होंने भी मिल सकती है। भाई साहब जी ने उत्तर दिता क्यों नहीं, लगातार नाम विच जुड़ जाओ, पर यह दिनों की गल नहीं जे महीनों की गल है। उद्दम करो, नाम जपो, नाम का रूप हो जाओ, फिर तुसी भी कदे इहो जी अवस्था माणोगे। सरदार जी उसे दिन तो नाम जपन लग पे। भाई साहब जी का जन्मदिन सी श्री लक्ष्मीर मुंतजर चाहल तो आए हुए सन। सवेरे जदों संगत बाबा जी दे कमरे में सी ना तां उसने आख्या बई उसने एक फारसी की कविता भाई साहब के जन्मदिन लई लिखी, जे तुसी आग्या दो तां सुनावां। भाई साहब ने कोई उत्तर ना दिता। उसने एक बारी फिर पूछया, भाई साहब ने फिर गल अणसुणी कर दिती। दूजे दिन शाम नूं बैठे सन तां उसने फिर बेनती की थी। भाई साहब ने उसनूं इह गल सुनाई, आखण लगे किसे मुरीद ने अपने मुरशद की उपमा विच एक कविता लिखी, उसने तेरे वांग मजबूर होके मुरशद पासों कविता सुनाउण की आग्या लई। मुरशद ने सुन के कहा बस हुण होर किसे नूं ना सुनाई, यह हुक्म है। पर उस मुरीद दे अंदर प्यार सी, जी उछले चा पैदा होवे भी किसे नूं सुनावां, पर मुरशद का हुक्म सी किसे नूं ना सुनाई। उन्दे कोलों रिहा ना गया, खूह ते गया ते खूह अंदर मूंह करके आखण लगा खूह मियां एक कविता सुन, मैनू पता है तू किसे होर नूं नहीं सुनाएगा। इस तरह अपना चा पूरा किया। फिर भाई साहब ने आख्या लै भाई सुना। उसने कविता पढ़ के सुनाई, आपने उसका बहुत सत्कार किया। वह आप किसे चा विच सी, दो तीन दिन वह उथे रहा। तुरन समय भाई साहब जी और ने उसनों प्रसाद दिता, उस दी आँखां विचों नीर वग रहा सी। बीबी राज उन्दे नाल गल्लां करदी करदी गेट तक गई। भाई साहब ने गेट तक कई बार उस वल वेख्या। जदों बीबी राज वापस आई ना तां भाई साहब ने कहा, बीबी राज वेखो किवें भारे दिल नाल तुरिया सी। उस दियां अखां वह रही सन, तुसी उन्दे नाल तुर पै, पता नहीं तुसी उन्दे नाल की गल्लां करन लग पै। जे तुसी उसनूं गल्ली ना लाया हुंदा तां पता नहीं किन्नी वार मुड़ के वह साडे वल वेखदा। भाई साहब ने उस वेले एक कविता लिख के सुनाई, आखण लगे सर तों पाणी पी, मोर मुड़े मुख ना फिरे, सनमुख रखे जी भुखा के तृप्तासिया। भाई साहब ने दसिया मोर जदों नदी ते पानी पीण जांदा है ना, जांदियां तां नदी दे सनमुख होया ही हुंदा है, पर पानी पी के भी शुकर शुकर करदा, नदी वल पिठ नहीं करदा, पुठे पैरी किन्नी दूर तक तुरदा जांदा है। माई इंद्र कौर एक बार देहरादून आई। उसने मझ रखी हुई सी, वह दुध की बर्फी बना के नाल ले आई। सवेर के समय कोल कोई नहीं सी। भाई साहब ने बीबी इंद्र कौर नूं आख्या तू बर्फी ले आई सी। उसने बर्फी दे दो टुकड़े पेश किते। भाई साहब ने वह छक लै ते आख्या होर दिओ। होर बर्फी आई तो वह भी छक लई, फिर आखण लगे होर लियाओ, वह भी होर छक लई। बीबी हैरान होई बई भाई साहब तो बड़ी थोड़ी चीज छकते हैं, इस गल विच की भेद है कि अज कितनी सारी बर्फी छक लई ले। शाम नूं जदों सारे इकट्ठे चाह छक रहे सन तां मलक साहब भी उत्थे पुजे हुए सन। भाई साहब ने कहा इंद्र कौर बर्फी लियाई सी, वह भी मंगवाओ। बर्फी आई, मलक जी ने एक टुकड़ा लिया, जदों मूँह विच पाया तां नक चाड़न लग पै। भाई साहब ने वेख लिया, उसने कहा यह बर्फी ते लूनी है। उन्हों का ख्याल सी भी शायद खराब हो गई है तां स्वाद बदल गया।
भाई साहब ने कहा शक ना करो, बर्फी बिल्कुल ठीक है। दरअसल मज दुबारा सून वाली है, जिस करके जदों ये अवस्था होवे ना तो उसका दुध कुछ लूणा हो जाता है, इसलिए बर्फी लूणी लगती है। असी खाधी है पर खत्म नहीं हुई, बहुत ही छक रहे सी खत्म हो जाए तो होर किसी वास्ते ना ही रवे, तो बीबी बेचारी उदास ना हो, इसका प्यार पूरा होता है। पर कुदरती ये ना मुक नहीं सकी। फिर भाई साहब जी ने एक गल सुनाई, आखन लगे एक संत जी किसी प्रेमी के घर प्रशादा छकन गए। प्रशादा छकाउण वेले रायते विच घीआ पाया होया सी, वो कुदरती कौड़ा सी। संत जी ने कौलियां भर भर के कौड़े रायते दियां पीतियां, बाकी चेलिया ने भी संतां वल वेख के औखे सौखे होके एक एक कौली खत्म की। जदों घर वालियां ने प्रशादा छकिया तां रायता ते बड़ा कौड़ा सी, वो बड़े शर्मिंदे होए ते संतां कोलों खिमा मंगण गए। संत जी कहण लगे गुरमुखो मेरे नाल गए चेलिया ने मेरा साथ नहीं दिता, जे सारे जने तीन तीन चार चार कौलियां रायते दियां लै लैंदे ते रायता खत्म हो जाना सी, ते तुहाडे ख्याल विच ही ना आउंदा तां कि तुहाडे मन विच उदासी ना आउंदी। तुसी उदास ना होवो, तुहाडा प्यार साडे तक पहुंच गया।